हाँ तेजी बोल। हाँ बिजी तो मैं हूं, बर बोल। हाँ मुझे पता है तू व्यान को लेकर यहां पर आ रही है। आई नो, अब कैसे पता है ये सब मत पूछा। आई नो। हाँ 605 को यहां पर पहुंच जाएगी। एंड यू शुड नो कि मुझे पिकअप्स में बिलीव नहीं है। गाड़ी ड्राइवर भेज दिया है पिक यू अप। हाँ 8:30 बजे तक तू मेरे पास होगी, राइट। एंड तेजी प्लीज ख्याल रखना, हाँ यहाँ आते ही अपनी लंबी लंबी बातें शुरू मत कर देना, फॉर गॉड सेक। या मुझे तुझसे ज्यादा वियान में मिलने में इंटरेस्ट है, राइट। ऑफ कोर्स मैं कथा की बात करूंगी। क्यों तेजी, मैंने ना सिर्फ तेरा वर्जन सुना है, वियान का भी तो सुनूंगी ना। यू डोंट वरी अबाउट दैट, मुझे फिरोशियस औरतें बहुत पसंद है और व्यान की पसंद भी। यू नो व्हाट तेजी, यही तेरी प्रॉब्लम है। तुझे अपनी एंजाइटी से इतना प्यार है ना, बस उसके बारे में सोचते रहना, प्रॉब्लम्स को प्रीएम्प्ट करना, फिर उनके बारे में सोचते रहना, फिर एक टैबलेट पॉप करना एंजाइटी पिल एंड गॉड नोज व्हाट नॉट। स्टॉप इट, ओके। हाँ मैं अपने ओपिनियंस खुद बनाती हूं और खुद बनाऊंगी, राइट। अच्छा अभी मुझे जाना है, आई'ल कॉल बैक, आई मीन आई'ल सी यू सून, या बाय। कहते हैं ना कि 60s के बाद लोग सठियाने लगते हैं, लेकिन इट डज वंडर्स टू द ब्रेन, और फिर आप हर चीज अलग करने की कोशिश करते हो। आई थिंक मेरे साथ भी यही हो रहा है। ओ व्यान, क्यों अपनी बेचारी मॉम को इतना परेशान कर रहे हो? मैंने कथा का वर्क देखा है, आई नो शी इज एन एसेट, और तुझे वो पसंद है, इट वॉज सो नेचुरल। आई मीन लेकिन तू मेरा प्रोटेजी है एंड आई हैव टॉट यू कि बिजनेस और पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं करते हैं, तो तू ऐसा नहीं कर सकता है व्यान। लेकिन अगर तूने ऐसा किया तो इट्स गोइंग टू बी अ डिजास्टर, और फिर मुझे डिजास्टर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। माय गॉड, आई होप वी डोंट गेट टू दैट। राजेश,